Hello everyone, welcome to our IVE online classes. Today we are going to discuss the living world chapter from NCERT plus one. और इस चैप्टर से क्योंकि चैप्टर छोटा है इसलिए टॉप 100 एनसीईआरटी मतलब 100 क्वेश्चन नहीं बना पाई हूँ. अबाउट 50 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बनाए विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और इस चैप्टर में कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखे हैं, चाहे HPTET है, नीट है या आपके बोर्ड एग्जाम है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते इस चैप्टर से. तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर के 2-3 पेजेस हैं उसमें सिर्फ इतना डिफाइन किया गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके जो करेक्टर्स हैं उन कौन से करेक्टर्स को जो है वो डेफिनेट कंसीडर किया गया है और कौन से करेक्टर्स को डेफिनेट कंसीडर नहीं किया गया है. तो हम बोलते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करता है, लेकिन ग्रोथ को भी क्या है, डेफिनेट फीचर नहीं कंसीडर किया गया है. कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो डेफिनेट हैं और कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो डेफिनेट नहीं हैं, वो आपको दोनों ध्यान में रखना है क्योंकि ऑप्शंस में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है इस क्वेश्चंस को लेके. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो इनसाइड होती है, विच मीन्स कि हमारी इंटरनल बॉडी, एक टाइम बाद अगर हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लें तो एक टाइम बाद ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, विच इज़ नॉट सीन एक्सटर्नली. तो इसलिए जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल सेल्स हैं, वो तो ग्रो करते ही हैं, ठीक है. तो इसीलिए ग्रोथ को डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं लिया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. नेक्स्ट क्वेश्चन, फंजाई मल्टीप्लाइज एंड स्प्रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोर्स एंड काइंड ऑफ स्पोर. जो है फंजाई में जो प्रोड्यूस होते हैं वो एसेक्चुअल स्पोर्स हैं. और फंजाई किंगडम में हम कर चुके हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्पोर जो है प्रोड्यूस होते हैं वो कौन कौन से हैं और कौन सी क्लास में कौन सी तरह के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, तो आप वहाँ पे किंगडम फंजाई वाली वीडियो देख सकते हैं. बाय विच प्रोसेस हाइड्रा रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग. एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने सभी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, चाहे आपके रीजनरेशन है, बडिंग है, फेजन है, टोरोलेशन है, कुछ भी है, वो सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं इन डिटेल, ठीक है. प्लैटिन एरिया जिसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं, रिप्रोड्यूस थ्रू रीजनरेशन इन विच प्लांट ग्रुप प्रोटोनिमा स्टेज इज फाउंड. तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आया था टेट में. तो प्रोटोनिमा स्टेज जो है वो मॉसिस में होती है. प्रोटोनिमा है क्या, ये एक अर्ली स्टेज होती है जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है उसकी अर्ली स्टेज होती है, जिसमें क्या देखते हैं हम, थ्रेड लाइक चेन ऑफ सेल्स. प्रोटोनिमा क्या है, थ्रेड लाइक चेन ऑफ सेल्स है जो कि अर्लीस्ट स्टेजेस में प्लांट की हम जिसको देख सकते हैं. रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज द डेफिनेट करेक्टर ऑफ लिविंग. क्यों, क्योंकि कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं दैट कांट रिप्रोड्यूस, जैसे म्यूल्स हैं और वर्कर हनीबीज हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए रिप्रोडक्शन को भी लिविंग करेक्टर नहीं लिया गया है. नेक्स्ट, अब अगर देखो रिप्रोडक्शन भी लिविंग करेक्टर नहीं है, ग्रोथ भी नहीं है, तो कौन से ऐसे करेक्टर हैं जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डेफिनेट लिया गया है. तो देखो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखना है और कॉन्सियसनेस. मेटाबॉलिज्म भी है, बट सम टाइम मेटाबॉलिज्म जो है वो नॉन लिविंग के लिए भी कंसिडर किया जाता है. अब बोलेंगे कैसे, क्योंकि जब टेस्ट ट्यूब बेबीज या टेस्ट ट्यूब प्लांट हम कोई ग्रो करते हैं तो उसमें क्या है, वो वहाँ पे क्या है, मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है. वो जो टेस्ट ट्यूब बेबीज या टेस्ट ट्यूब प्लांट हम ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे मेटाबॉलिज्म वो ऑर्गेनिज्म शो नहीं करता प्रॉपर, जब उसकी अर्ली स्टेजेस होती हैं ग्रोथ की. इसलिए मेटाबॉलिज्म को दोनों नॉन लिविंग और नॉन लिविंग के लिए कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब. जो अभी तक आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो आपको ये डाटा याद रखना है, दैट इज़ 1.7 to 1.8 million. Giving standardized name to the living organism of the living organism is called nomenclature, full form ICBN or ICZN की आपको याद रखनी है, International Code of Botanical Nomenclature, and for ICZN International Code of Geological Nomenclature. एक सेकेंड अभी हम रुकेंगे. Each name has components. दो component उसके होंगे क्योंकि दो component है, इसीलिए उसको हम binomial nomenclature बोलते हैं. किसने दिया था, Carl Linnaeus ने दिया था. For example, Mangifera indica का मैंने लिख रखा है, जिसमें एक genus है, ये genus है और ये इसकी species है. अब एक जो scientific name होता है उसके पास कितने letters होने चाहिए, More than 3, 3 से ज़्यादा और 20 से कम letters उसमें होने चाहिए. साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन, लैटिन लैंग्वेज में होते हैं और हम किस में लिखते हैं उसको,
इटैलिक्स में लिखते हैं और शुड बी अंडरलाइंड. अगर वो इंग्लिश में लिखे गए हैं तो वो अंडरलाइन होने चाहिए. मैंगिफेरा इंडिका, पहले जो साइंटिफिक नेम होता था, जिसने वो साइंटिफिक नेम दिया उसका नाम जो है उसके साथ जुड़ जाता था, लेकिन अब इस टाइम ये चीज़ फॉलो नहीं होती है. यहाँ पे ये चीज़ इंडिकेट करती है कि किसने इसके स्पीशीज को डिस्क्राइब किया है फॉर द फर्स्ट टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द साइंटिफिक टर्म यूज्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज. तो टैक्सा, हु गेव टर्म टैक्सोनॉमी, कैंडोले. ओ यहाँ पे वे टर्म टैक्सोनॉमी हो गया, यहाँ ठीक कर लें. हु गेव टर्म सिस्टमैटिक्स कर लें, वो कार्लिनिस ने दी थी, यहाँ ठीक कर लें, यहाँ टैक्सोनॉमी नहीं टर्म सिस्टमैटिक्स होगा. हु गेव टर्म स्पीशीज जॉनरे. अब कुछ एक साइंटिफिक नेम जो आपके एनसीईआरटी में देके रखे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको यहाँ से ये बिल्कुल याद रखने हैं, क्योंकि कई बार एनसीईआरटी डायरेक्ट एग्जाम्पल या साइंटिफिक नेम वगैरह कुछ डायरेक्ट उठा के आपसे पूछ लिए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनस फॉर कैट. तो कैट के लिए फेलिस जीनस हम यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ द अदर टर्म यूज्ड फॉर द ग्रुप रिलेटेड जेनरा, दैट इज़ फैमिली. जैसे ये आपके हायरार्की है ना, जीनस, स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये आपको याद रखने हैं. जैसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज पूछ लेंगे उसको क्या बोलते हैं, जीनस, इस तरीके से. तो हायरार्की का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्स्ट विच इंक्लूड बोथ मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, वेजिटेटिव और मॉर्फोलॉजिकल या फिर रिप्रोडक्टिव, दोनों फीचर्स को कंसिडर करके जो ग्रुप बनाया जाता है, जो कैटेगरी बनाई जाती है उसको फैमिली कहते हैं. इन विच फैमिली ग्रुप सोलेनम, पिटूनिया, द डूराइट सेक्टर आर प्लेस. सो ये सोलिनेसी के एग्जाम्पल्स हैं. जीनस पेंथेरा एंड फेलिस इंक्लूड्स इन फेलिडी. What is the class for human mammalia? Which is the highest taxonomic category? तो kingdom सबसे highest है और सबसे diversity, सबसे ज़्यादा highest diversity भी kingdom में ही होगी, क्योंकि largest है. और सबसे कम किस में होगी? Species, genus में होगी. What are the fundamental to study the essential for training इन सिस्टमैटिक्स? तो टैक्सोनॉमिक एड्स होते हैं. अगर हमें कुछ स्टडी करनी है, कुछ चीज़ों को पूरे जो आपकी टैक्सोनॉमी होती है उसमें पढ़ना है, तो हम टैक्सोनॉमिकल एड्स की यूज़ करते हैं. जैसे बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके क्या क्या आते हैं, कोई हर्बेरियम हो सकता है, बोटैनिकल गार्डन हो सकता है, कोई पोलन बैंक हो सकता है, म्यूजियम की, एट्सेट्रा, वो सब इसके एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन बोटानिकल गार्डन इज लोकेटेड इन कोलकाता. लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड इज इन की. नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड इन लखनऊ. व्हाट इज अ न्यू नेम फॉर द रॉयल बोटानिकल गार्डन, दैट इज आचार्य जगदीश चंद्रा बोस बोटानिकल गार्डन. ये किस चीज़ के लिए फेमस है, इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ. जो ये गार्डन है, रॉयल बोटानिकल गार्डन, बहुत पुराना है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बनियन ट्री है जिसके लिए ये फेमस है. ये बनियन ट्री जो है इतना बड़ा है कि इसका जो एरिया है अबाउट, आप देख लो कि 14500 स्क्वायर किलोमीटर, एक सेकेंड मैं दोबारा लिख देती हूँ, 14500 स्क्वायर मीटर का इसका जो है वो एरिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियन ट्री, फाइकस बेंगनालेंसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट हैज़ लार्जेस्ट लीफ. तो लार्जेस्ट लीफ जो है विक्टोरिया प्लांट, जिसको वाटर लिली भी कहते हैं. 2 to 3 meter डायमीटर इसका होता है, बहुत बड़ी होती है. तो ये भी यहाँ पे आपके बोटैनिकल गार्डन, रॉयल बोटैनिकल गार्डन में आपको देखने को मिलती है. नेक्स्ट इज कांचीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड इन आसम एंड गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात. नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन हिमाचल, तो ये आपको पता होना चाहिए, पहले 3 होते थे, अब जो है कितने हैं ये आप खुद फाइंड आउट करेंगे. और कहाँ कहाँ ये भी आपको पता होना चाहिए. अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव, फॉर एग्जांपल आप HPTET दे रहे हैं, तो ये GK सेक्शन में भी आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.